स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर मार्केट, अगर आप इसमें रखना चाहते हैं कदम क्योंकि आप कमाना चाहते हैं बेहतर रिटर्न, तो आपको क्या करना है क्या नहीं। खासतौर पर अभी हमारे देश में करोड़ों जो है डीमैट अकाउंट खुले हैं, यानी करोड़ों नए लोग जो है वो शेयर बाजार से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस चैनल में बड़े बड़े शब्द और वो भागते हुए नंबर्स अगर आपको डराते हैं, तो आपकी मदद करने के लिए YouTube में एक बड़ा संसार मिलेगा। और एक ऐसे ही मशहूर यूट्यूबर आज मेरे साथ हैं, प्रसाद लेनवे। शायद इनके नाम से आप नहीं पहचाने, इनके YouTube चैनल का नाम है कन्वे बाय इनोवेशन। और ये जब आते हैं कहते हैं नमस्कार, मैं हूँ प्रसाद और आपके लिए मैं मार्केट के जागन्स को आसान करता हूँ। तो आज हम भी प्रसाद से 9 टिप्स लेने वाले हैं, ताकि अगर आप बिगिनर हैं स्टॉक मार्केट में तो आपको मिलेंगे प्रसाद के वो 9 प्रसाद जो आपके लिए बाजार में रिटर्न कमाने के रास्ते को आसान बनाएंगे। हाय प्रसाद, थैंक यू सो मच। तो हम सब तैयार हैं आपसे प्रसाद पाने के लिए स्टॉक मार्केट में बिगिनिंग के लिए, लेकिन सबसे पहले कंग्रेचुलेशन, 1.54 मिलियन आपके सब्सक्राइबर हैं, आपका चैनल मैं भी देखती हूँ। जब मैं कुछ समझना चाहती हूँ, कहीं किस टर्म कोई होता है जिसमें अटक जाती हूँ ना, सो मैं आपके वीडियोज को जाकर के देखती हूँ। सो थैंक यू सो मच इतने इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। आपके सफर के बारे में थोड़ा सा बताइए, आपने जो है शुरुआत की थी अपने दोस्तों और फैमिली को बताने से लेकर, और अब आपका जो YouTube फैमिली है वो मिलियंस में है। थैंक यू फॉर हैविंग मी प्रियंका फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड जब हमने शुरुआत की थी तब मैं इंजीनियरिंग में था, और ज्यादा मतलब मैं चाहता था कि जो मुझे पता है वो सभी को पता हो। और फिर धीरे धीरे क्या है कि लोग जुड़ते गए और फिर कारवा बनता चला गया, और आज खुशी है कि जो एफर्ट्स हम डाल रहे हैं उसके कुछ रिजल्ट्स भी निकल कर आ रहे हैं। काफी सारे लोग फाइनेंशियली अवेयर हो चुके हैं, और जिस हिसाब से म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स हो रही है वो सही में देखकर काफी अच्छा लगता है कि हाँ, अभी काफी सारी जनता फाइनेंशियल अवेयर हो रही है इंडिया में। बिल्कुल, और इसी में अभी हम देख रहे हैं प्रसाद कि पिछले साल से लेकर अभी तक जो है हमारे देश में 10 करोड़ डीमैट अकाउंट अब खुल चुके हैं। और इन डीमैट अकाउंट ओपनर्स को आप सबसे पहले क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो प्रसाद का प्रसाद नंबर वन क्या होगा, जो बिगिनर्स हैं जो यहाँ पे कदम रख रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करूं क्या ना करूं, उन्हें आप सबसे पहले क्या एडवाइस देते हैं? मेरे हिसाब से क्लियर थॉट प्रोसेस और एक अच्छा माइंडसेट हर चीज में सक्सेस पाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो बहुत सारे लोग इसे सोचते हैं कि ये गेट रिच क्विक स्कीम, मतलब क्या है कि बहुत सारे यंगस्टर्स एक छोटे कैपिटल से शुरुआत करते हैं और वो सोचते हैं कि मैं 2 महीने में 4 महीने में पैसा डबल करूंगा, तो एक डबल करने का जरिया वो मानते हैं कि तुरंत पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा और मैं पैसा कमा लूंगा। ये इसलिए लगता है क्योंकि कई बार स्टॉक मार्केट बहुत बेहतरीन रिटर्न्स देता है। अगर आप पिछले एक साल की बात करो तो सेंसेक्स निफ्टी के रिटर्न 55%, इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करते तो कई सारे स्टॉक्स ने 100% 200% से ज्यादा रिटर्न दिए हैं। तो ऐसे में लोगों का एक एक्सपेक्टेशन बन जाता है कि यही हमेशा चलता आता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम सेंसेक्स निफ्टी के एवरेज रिटर्न्स देखें पिछले 25 सालों के, तो वो ऑन एन एवरेज 13-14% है, ना कि हर साल 55%। तो हालांकि स्टॉक मार्केट ने बाकी एसेट क्लासेस से बेहतरीन रिटर्न जरूर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये नहीं समझना है कि यहाँ पर मुझे बस शॉर्ट टर्म में पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है। आप किसी कंपनी में भागीदार बन रहे हो और आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 2-3 महीने में हर एक कंपनी अपनी साइज डबल ट्रिपल करेगी और बढ़ती चली जाएगी। तो हालांकि ये एक चीज आपको समझनी चाहिए शुरुआत में। तो ये गलती ना करें, गेट रिच स्कीम नहीं है, आपने कहा शॉर्ट टर्म में नहीं, तो लॉन्ग टर्म में आपको क्या लगता है कितना वक्त किसी को देना चाहिए, जो कि एक बिगिनर है, अभी अभी वो शेयर मार्केट में आ रहे हैं, कितना समय उनको देना चाहिए कि वो रिटर्न कमाएंगे? अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप किसी कंपनी में भागीदार बन रहे हो। अगर आप किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हो तो अगेन डायरेक्टली आप वहां पर भागीदारी होते हो। तो आप वहां पर किसी स्टार्टअप में ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं आज स्टार्टअप में पैसा लगा रहा हूँ 1 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल, और फिर 3-4 महीने में पैसा मेरा डबल ट्रिपल हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से जो नॉर्मल टाइम फ्रेम है वो 3 साल कम से कम होनी चाहिए अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो क्योंकि किसी भी कंपनी को परफॉर्म करने में टाइम लगता है। इवन दो उस कंपनी के पास अच्छा खासा बिजनेस आ रहा हो, जैसे आईटी कंपनी के पास फिलहाल आ रहा है, लेकिन परफॉर्म करने में टाइम लगता है, तो वो टाइम आपको देना पड़ेगा और तभी जाके रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, तो 3 साल हम एक मान लेते हैं कि एक अच्छा समय हो सकता है। अब ये बताइए, अब कोई जो नया रहता है, बिगिनर होता है, वो अपनी नॉलेज कहाँ से लें?
बिजनेस चैनल्स हैं, आपके जैसे यूट्यूब चैनल्स हैं, कई बुक्स भी हैं बाजार में, लेकिन शेयर मार्केट ऐसा जो हर पल बदलता रहता है, एक चीज आपको नहीं नजर आएगी, सडनली बाजार कभी गिरने लगता है, कभी ऐसा लगता है कि अब तो बाजार गिरेगा तो ये उठने लगता है, कहां से वो नॉलेज ले, कहां से वो समझे? तो अगर बेसिक की बात करें तो मैं शुरुआत बुक से करूंगा, और बुक्स में जैसे कि आपने साइकोलॉजी का पॉइंट उठाया, बिहेवियर का पॉइंट उठाया, तो एक बुक है पराग पारिक की स्टॉक टू रिचेस, और उनकी अनदर बुक है बिहेवियरल फाइनेंस, ये आपको पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। ये ना कि सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में बताएगी, बट साइकोलॉजिकली कैसे आपको प्रिपेयर रहना है इन्वेस्टमेंट के लिए, कैसे आपको अपनी साइकोलॉजी को सही तरीके से इस्तेमाल करना है, वो सारी चीजें सिखा देगी। पीटर लिंच की भी कई सारी अच्छी बुक्स है, लर्न टू अर्न से आप शुरुआत कर सकते हो। यूट्यूब में भी काफी सारा बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। रिसेंटली हमने भी बिगिनर टू एक्सपर्ट एक सीरीज शुरू की है पर्टिकुलरली बिगिनर्स के लिए, फ्री में आप उस सीरीज में सारी चीजें बेसिक्स के बारे में स्टॉक मार्केट से सीख सकते हो। ये कुछ चीजें आप कर सकते हो। और जहां तक अपडेट रहने की बात है तो मेरे लिए इकोनॉमिक टाइम से बेहतर सोर्स मुझे नहीं मिला है। तो आप फिजिकल कॉपी पढ़ते थे, आपके फ्रेंड जो है वो लेकर आते थे इकोनॉमिक टाइम्स, दैट इज रियली इंटरेस्टिंग, सिर्फ वीकेंड में आप पढ़ पाते थे, बताइए ये एक्सपीरियंस बताइए। जब मैं डिप्लोमा में था इंजीनियरिंग के, तो मेरे जो रूम पार्टनर है उनके एक दोस्त आते थे रूम में, और वो हर एक संडे अपने साथ एक न्यूज़पेपर लेकर आते थे इकोनॉमिक टाइम्स। पढ़ने का मुझे पहले से ही शौक था, तो जो भी रूम में अवेलेबल रहता था मैं पढ़ना शुरू करता था। तो जैसे ही न्यूज़पेपर आया मैंने पढ़ना शुरू किया, और दो चार संडे पढ़ने के बाद मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगा, लेकिन सिर्फ चीजें पता नहीं थी और कोई मेंटर भी नहीं था जो बता सके। तो फिर धीरे धीरे मैंने बुक पढ़ना शुरू किया, फिर खुद के डीमैट अकाउंट खोला, तब मैं माइनर था, सिस्टर के नाम पे अकाउंट खोला था, और वहां से फिर शुरुआत की थी इन्वेस्टमेंट की। तो इस तरह से मेरी भी जर्नी शुरू हुई है उस न्यूज़पेपर की वजह से, और मैं भी उसे आज भी काफी वैल्यूएबल मानता हूँ। अच्छा, अब जब पीछे मुड़ के अपने सफर में को आप देखते प्रसाद, तो कोई ऐसी गलती आप बताना चाहेंगे जो आपने की थी और आप चाहते हैं कि दूसरे लोग नहीं करें, कोई ऐसी गलती जो आप अब जब देखते हो तो आप सोचते हो कि इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता होनी चाहिए? गलतियां बहुत की है, मैं दो तीन इंपॉर्टेंट और बड़ी गलतियां बताता हूँ जो हर एक बिगिनर करता है। तो पहली गलती ये है कि बहुत सारे बिगिनर नाम पर जाते हैं, वो कंपनी का एनालिसिस नहीं करते। जैसे कि मैं इंजीनियर था, तो मेरी ये सोच थी कि मुझे पावर कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ तो शायद मुझे समझता हूँ। बट विदाउट डूइंग एनी एनालिसिस, फाइनेंशियल्स का नहीं, मैनेजमेंट का नहीं, मैंने बस नाम के बेसिस पर देखा कि कंपनी की शेयर प्राइस पिछले एक दो साल में कितनी बढ़ी है, और उसके बेसिस पर प्रोजेक्शन लगा दिए, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है शेयर प्राइस के बेसिस पर प्रोजेक्शन लगाने का। तो मैंने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट किया था शुरुआत में, उससे पहले मैंने सुजलॉन एनर्जी में भी इन्वेस्ट किया था। काफी डरावनी इन्वेस्टमेंट रही है मेरे लिए शुरुआत में। और एक और चीज यहाँ पर कि मैंने पहली इन्वेस्टमेंट अपनी जिंदगी की उधार के पैसों से करी थी, जैसे मैंने आपको बताया कि सिस्टर के नाम से सिर्फ डीमैट अकाउंट ही नहीं खोला, पैसे भी उसी के लिए थे। और फिर मैंने बोला कि मैं दे दूंगा, लेकिन वो वेट किया उन्होंने काफी, लेकिन अमाउंट जो थी वो आधी हो चुकी थी। तो इस तरह फिर बाद में मुझे बताना पड़ा कि ऐसे ऐसे हो गया है। कई सारे लोग भी पैसा बोरो करते हैं और ये सोच के, लेकिन स्टॉक मार्केट कंसिस्टेंट रिटर्न नहीं है, यहाँ पे वोलेटिलिटी है, इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके रहना है। हर साल 55 नहीं मिलेगा, तो इसीलिए आप एक परफेक्ट रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी को पर्टिकुलर साल आएंगे करके। कई सारे लोग तो मैं देखता हूँ वो लोगों से 7-8% पे पैसा ब्याज पर लेते हैं और बोलते कि मैं स्टॉक मार्केट से 15-20% कमाऊंगा और बीच का जो मार्जिन है वो कमा लूंगा, और ऐसे करके ज्यादातर लोग बैंकरप्ट हुए हैं। तो ये मिस्टेक आई थिंक हर किसी को अवॉइड करनी चाहिए कुछ। राइट, तो हमें 5-6 प्रसाद तो मिल गए, लेकिन अभी कुछ और भी लूंगी, कुछ और प्रसाद के टिप्स जो है। प्रसाद ये बताइए, ये तो आपने बता दिया कि आपने कैसे नाम के पीछे, आप इंजीनियर हैं, आपको लगा पावर से जुड़ी कंपनियों में मुझे करना चाहिए, वो गलती की। तो फिर क्या बेसिस होना चाहिए स्टॉक्स को चुनने का? और अगर शुरुआत कर रहे हैं तो वही हो सकता है, मुझे लग सकता है कि मैं डिजिटल मीडियम से जुड़ी हूँ तो शायद डिजिटल मीडियम के स्टॉक्स को खरीदूं, या फिर मैं आजकल घर में अगर खाना ऑर्डर कर रही हूँ तो फिर जोमैटो के आईपीओ में डाल दो, लगा दो पैसे। तो आप मुझे बताइए किस बेसिस पर हम सिलेक्ट करें, कौन सी बातों का ख्याल रखना है आपको? जैसे कि आपने बताया प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक ये सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हर किसी को समझना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप बेहतर ही सबसे पहले ढूंढो उन कंपनी को जिनके प्रोडक्ट को आप ऑब्जर्व करते हो या फिर यूज करते हो। बट सिर्फ उससे भी काम नहीं चलेगा कि आपने जोमेटो के प्रोडक्ट यूज कर लिया फिर आपने जोमेटो में इन्वेस्ट किया, ये भी सही तरीका नहीं है। नेक्स्ट स्टेप ये कि आपको कंपनी के फाइनेंशियल देखने पड़ेंगे कि कंपनी फाइनेंशियली अच्छा परफॉर्म तो कर रही है या फिर नहीं। वहां पर आपको पता चलता है कि कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है और फ्यूचर परफॉर्मेंस क्या हो सकती है, क्योंकि आप कंपनी के प्रोडक्ट को भी जानते हो। अगर कंपनी का आज का सेल मान लीजिए 100 करोड़ है और प्रॉफिट है फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ रुपए, 5 साल बाद भी
रेवेन्यू उतना ही रहता है 100 करोड़ और प्रॉफिट 10 करोड़ ही रहता है, तो आपकी जो ग्रोथ होगी वो 0% रहेगी। आपको चाहिए कंपनी की ग्रोथ, और उसके लिए आपको फाइनेंशियल्स भी देखने हैं अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट। आपको देखना है कि प्रोडक्ट किस तरह से आगे बढ़ेंगे, प्रॉफिट किस तरह से बढ़ेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कहीं वो फ्रॉड तो नहीं है, कहीं वो मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे नंबर। तो ये चीजें भी आपको देखनी पड़ेगी शुरुआत में। हालांकि ये सारी चीजें सुनने में डिफिकल्ट लगेगी, एक बार शुरुआत करके देखिए। कुछ बेसिक वेबसाइट है जैसे कि screener.in फ्री वेबसाइट है, जाके किसी भी कंपनी का नाम सर्च कर लीजिए, सारे फाइनेंशियल आ जाएंगे। कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में आप सिंपली गूगल करके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। रही बात मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट जो है कंपनी का, उनके आप इंटरव्यूज देखिए, उनके बारे में पढ़िए। जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगी, उतनी ज्यादा आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगी। जैसे कि मिस्टर रतन टाटा, उनके बारे में हमारे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं दीपिंदर गोयल की बात करता हूँ जो कि जोमेटो चलाते हैं, उनके बारे में बहुत ही कम लोगों को इन्फॉर्मेशन है। तो जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करोगे उनकी, उतनी ज्यादा और बेहतर डिसीजन मेकिंग आप कर पाओगे। तो ये कुछ बेसिक चीजें आपको शुरुआत में करनी चाहिए। पहले दिन से ही सक्सेस नहीं मिलेगा, कुछ मिस्टेक्स होगी और कुछ लॉसेस भी होंगे, लेकिन धीरे धीरे आप इस पाथ को फॉलो करके आगे बढ़ सकते हो, अच्छे खासे रिटर्न्स भी कमा सकते हो। तो मेहनत करनी होगी, ये नहीं कि बस आपने सुना किसी से किसी स्टॉक के बारे में, कोई कंपनी अच्छी लगती है वहां पर पैसे डाल दिए, मेहनत करनी होगी। तो यानी कि प्रसाद, इसमें अगर मैं एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हूं तो मुझ में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, तभी जो है मुझे आना चाहिए स्टॉक मार्केट में। वो क्वालिटीज आप क्या कहते हो होनी चाहिए आप में? बिल्कुल, क्वालिटीज यहाँ पर कई सारी होनी चाहिए पर्टिकुलर चीज में। अगर इन्वेस्टिंग की फील्ड में आपको सक्सेसफुल होना है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट क्वालिटी मेरे हिसाब से वो है पेशेंस। नो मैटर कितनी बेहतर कंपनी आप चुन रहे हो, लेकिन उसे आप होल्ड नहीं कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो मतलब नहीं है। ज्यादातर कंपनीज ने, मतलब मिस्टर बफेट ने भी जो कंपनीज होल्ड की, कोका कोला, कहना बहुत आसान है कि इन्वेस्टमेंट, कई लोगों ने भी की थी इन्वेस्टमेंट, बट 30 सालों के लिए कोई होल्ड नहीं कर सका। डिफरेंस यहाँ पर है, इन्फोसिस में आप 1993 में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते तो उसकी वैल्यू 11 करोड़ होती। कहने में आसान है, बट कोई ये 20-25 साल होल्ड करना, ये सबसे डिफिकल्ट टास्क है। पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर की कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो लेट मी होल्ड इट। फिर मार्केट में शेयर प्राइस उसको 1-2 महीना बहुत भी गिर गई तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। आपका फोकस होना चाहिए कंपनी जब तक प्राइस बढ़ रही है तब तक मैं कंपनी के साथ खड़ा हूँ, मैं उसका पार्टनर हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है एनालिटिकल स्किल्स की, कंपनी को एनालाइज करना। 4 कंपनीज है एक ही सेक्टर के, उनमें से बेस्ट 1 या 2 को पिक करना, इसके लिए कुछ कंपैरिजन एनालिटिकल डेटा क्रंचिंग आपको आनी चाहिए। तो ये कुछ 2 इंपॉर्टेंट स्किल्स मैं कह सकता हूँ जो हर एक इन्वेस्टर में होनी चाहिए। और कितने स्टॉक किसी के पोर्टफोलियो में होना चाहिए, आइडियल कुछ नंबर होता है? म्यूचुअल फंड में कहते हैं 8 से 10 फंड्स होने चाहिए, तो ऐसे कुछ स्टॉक्स भी आप कहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में कितने होने चाहिए? इसका जवाब मिस्टर पीटर लिंच से बेहतर और कोई नहीं दे पाएगा। वो कहते हैं कि उतने ही स्टॉक्स करो तो जितने बच्चे आप पाल सकते हो। आई थिंक हर किसी के लिए वैरी करेगा, बट ये अगेन डाइवर्सिफाई होना चाहिए, 2 से ज्यादा तो होने चाहिए, बट अगेन जितने बच्चे आप पाल सकते हो। ऐसा नहीं कि 30-40 स्टॉक आपने खरीद लिए और फिर आपको पता ही नहीं कौन सी कंपनी क्या कर रही है। तो एक वेल डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, बट ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं होना चाहिए। ओके, और ये बताइए, कोई बिगनर है जो पहली बार स्टॉक मार्केट में आ रहा है, उसे कैसा स्टॉक चुनना चाहिए? आप वो कौन सी क्वालिटीज कहेंगे कि उस स्टॉक में होनी चाहिए? अगर आप बिगिनर हो और किसी कंपनी को चुन रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको उन इंडस्ट्री में जाना चाहिए जिसकी आपको खुद को बहुत ज्यादा नॉलेज है। मेरी बात करें तो मुझे बैंकिंग सेक्टर का और टेक्नोलॉजी का ज्यादा इंटरेस्ट है। मैं काफी सारा टाइम इन चीजों में बिताता हूँ और मुझे अंडरस्टैंडिंग है, तो प्रोडक्ट और सर्विस साइड में एक नॉलेज है। उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल्स को प्रोजेक्ट करना, क्योंकि आपका पैसा आज के प्रॉफिट में नहीं है, आपकी ग्रोथ कल के प्रॉफिट में है, आपको वो प्रोजेक्ट करनी है। तो इसीलिए जिन इंडस्ट्रीज को आप बेहतर जानते हो उनमें एनालिसिस करो, जैसे कि कंपनी के फाइनेंशियल्स आपने चेक कर लिए, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, बैलेंस शीट हो गई, इनका एनालिसिस आप कीजिए और उसके बाद बेस्ट डिसीजन आप ले सकते हो। और शुरुआत में छोटी अमाउंट से शुरुआत कीजिए, बिकॉज ज्यादातर टाइम आपको शुरुआत में लॉसेस ही होने वाले हैं अगर आप बिगिनर हो तो, क्योंकि पहले दिन से प्रॉफिट मिलना बहुत मुश्किल है। पहले दिन से ही बेस्ट कंपनी चुनना बहुत डिफिकल्ट है। आप चलना सीखते हो, 10 बार गिरते हो तब जाके फिर बाद में चलना सीखते हो, तो 10 बार गिरने के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि मैं 10 बार गिरता भी हूँ तो मुझे फिर से खड़ा होना है, और खड़े होने के बाद वो पहली वाली मिस्टेक नहीं करनी है। तो आई थिंक इस हिसाब से आपको जाना चाहिए, और कम इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करो तो शुरुआत में लॉसेस भी कम रहेंगे और लर्निंग उससे ज्यादा मिलेगी। कम मतलब कितना प्रसाद, कितना पैसा लगाना चाहिए एक बिगिनर को? मेरे हिसाब से अगर आप स्टूडेंट है तो यू कैन स्टार्ट विद 5,000, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो यू कैन स्टार्ट विद 20-30,000 एट स्टार्ट। ओके, नॉट मोर देन दैट। ओके, नाउ आई रियली वांट टू नो, आपने आईपीओ पर बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया था, जोमैटो आईपीओ पर बनाया था, तो आईपीओस की अभी बाहर है,
आने वाले भी बहुत सारे आईपीओज हैं, हम हर दिन किसी ना किसी की बात सुन रहे हैं, डिजिटल स्पेस से जुड़े हुए, फिनटेक स्पेस से जुड़ी हुई कंपनियां, इंश्योरेंस स्पेस से जुड़ी हुई, मेकअप स्पेस की कंपनी। तो आईपीओ को लेकर आपका क्या व्यू है, एक बिगिनर को क्या आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उससे दूर ही रहे, आप क्या सलाह देते हो? अगर स्टैटिस्टिक्स के माने तो आईपीओ एक ऐसा जरिया है, इनफैक्ट स्टॉक मार्केट में अकेला ऐसा जरिया है जहां पर शॉर्ट टर्म रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी 50% से ज्यादा है, मतलब देयर आर हाई चांसेस कि हर एक इन्वेस्टमेंट में आप पैसा कमा लोगे। बट इसके लिए शॉर्ट टर्म में ही, मतलब जो लिस्टिंग गेन है उसके लिए शायद आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि आईपीओ खरीद लिया और लिस्टिंग गेन के दिन या फिर लिस्टिंग डे के दिन उसे बेच दिया। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो कि आईपीओ में खरीद लिया और लॉन्ग टर्म होल्ड करूँ, तो उसके लिए डायरेक्ट ब्लाइंडली आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको पूरी कंपनी का एनालिसिस करना पड़ेगा। एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की वो यही है कि जब भी कोई भी आईपीओ 10 टाइम से ज्यादा सब्सक्राइब होता है रिटेल कोटा में, तो वो पॉजिटिव रिटर्न्स देता है आपको लिस्टिंग गेन में। तो मैं यही करता हूँ कि पहले 2 दिन ऑब्जर्व करता हूँ कि किस तरह से उसको सब्सक्रिप्शन आ रहा है रिटेल सेगमेंट में, और उसके बाद तीसरे दिन उसे अप्लाई करता हूँ अगर उसे अच्छा सब्सक्रिप्शन आया तो। जैसे कि SBI कार्ड है, पिछले साल मार्च में काफी ज्यादा उस कंपनी के बारे में बातें हो रही थी, लेकिन कोविड आने के बाद पहले 2 दिन में आईपीओ सही से सब्सक्राइब नहीं हुआ, तो तीसरे दिन मैंने अप्लाई नहीं किया। शायद मैं पहले दिन ही अप्लाई करता तो शायद मुझे लॉस भुगतना पड़ता वहां पर लिस्टिंग गेन के, लिस्टिंग डे के दिन। अच्छा, तो आईपीओ के लिए आपने ये Zomato के आईपीओ के लिए अप्लाई किया था या नहीं? हाँ, Zomato के लिए किया था। इनफैक्ट हमारी कंपनी में नहीं, मुझे नहीं मिला। मेरे फ्रेंड्स को मिला। ओके, बैड लक हो गया, फ्रेंड्स को मिलाया। चलिए तो रैप अप करेंगे, और जाते जाते एक मैसेज जो आप देना चाहते हैं, जो तमाम लोग आपके फैंस हैं मेरी तरह और जो देख रहे होंगे आपका ये इंटरव्यू। यंग जनरेशन हमेशा उन चीजों को फॉलो करना चाहती है, एक इम्पोर्टेंट चीज है, आई थिंक हर कोई रिलेट कर पाएगा। आजकल हर कोई ट्रेंड को फॉलो करना चाहता है, फैंसी चीजें करना चाहता है ताकि वो अपने फ्रेंड सर्कल और बाकी चीजों को इम्प्रेस करना चाहते हैं। उसमें इसी दौरान ये लोग फ्यूचर्स ऑप्शन, उसमें ऑप्शंस में कॉल पुट, अलग अलग कॉल्स लेंगे, अलग अलग चीज़ें करेंगे, तो इन चीज़ों से उनको लगता है कि शायद हम बाकी लोग जिनको इन्वेस्टमेंट की जानकारी नहीं है उनसे काफ़ी बेहतर बन गए हैं। लेकिन मेरी ये सलाह रहेगी आपसे कि ऐसी चीज़ों में जाने से पहले आप 10 बार सोचिए, 10 बार, क्योंकि ये पैसों का मामला है, कोई मतलब शो ऑफ का मामला नहीं है। तो आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट को समझ के इन्वेस्ट कीजिए, और हाँ, सिर्फ एक बार इन्वेस्ट मत कीजिए। कई सारे लोग 5,000 रुपये डालते तो है, बट जिंदगी भर उसी 5,000 को देखते रहते, ये 6,000 कब होगा, 7,000 कब होगा। सेव कर लीजिए हर महीने, इन्वेस्ट कीजिए हर महीने, जस्ट लाइक कि आप म्यूचुअल फंड में हर महीने SIP करते हो, स्टॉक्स में भी कर दो, नो मैटर कौन सा वैल्यूएशन है, मत देखिए। अगर आप कंपनी पे बुलिश हो, हर महीने SIP करोगे स्टॉक्स की, तो एवरेज हो जाएगी फिगर साल में, बेस्ट तरीका है रादर देन पुटिंग द लमसम अमाउंट। तो ये कुछ 2 चीजें हैं कि जो फैंसी ट्रेंड से और शो ऑफ की चीजें हैं उनसे यहाँ पे मत अप्लाई कीजिए, महंगा पड़ता है। और दूसरी चीज कि SIP की तरह स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, तो वैल्यूएशन पे भी ज्यादा कंसर्न नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में मेरे हिसाब से 70-80% इन्वेस्टर सिर्फ वैल्यूएशन के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी खो देते हैं और बाद में सोचते कि शायद मैंने इन्वेस्ट किया होता। बिल्कुल, तो सेव नहीं इन्वेस्ट कर, यही मेरे शो का भी नाम है। थैंक यू सो मच प्रसाद, बिल्कुल आपने सही संदेश दिया है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बढ़िया काम आप कर रहे हैं, करते रहिए, हम आपके वीडियोस देखते रहेंगे और प्रसाद को फिर मनी लाइन में लेकर आएंगे। थैंक यू प्रसाद फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। तो मनी लाइन, इट वॉज फन। तो मॉर्निंग टाइम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि प्रसाद जैसे इंटरेस्टिंग लोग आते रहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म में और आपको बताते रहेंगे कि कैसे केवल सेव करने से बात नहीं बनेगी, इन्वेस्ट भी करते रहिए।